लग्जरी कार मेकिंग कंपनी MG यानी मॉरिस गराज इंडिया में अपनी मेजोरिटी स्टेक सेल करना चाहती है। मतलब साफ साफ बोलूं तो खुद को इंडिया में सेल करने के लिए एक अच्छा बायर ढूंढ रही है। और इसकी इन्फॉर्मेशन तो आपको अपने चैनल में पहले ही दे चुका था कि रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक मुकेश अंबानी भी इसको खरीदने का प्लान कर रहे हैं। बट इस सीरीज में आ चुके महिंद्रा के ओनर आनंद महिंद्रा साथ ही हिंदुजा ग्रुप जो ऑन करती अशोक लेलैंड कंपनी। अब सवाल ये उठता है कि MG इंडिया में खुद को सेल कर क्यों रही है। सो करता हूं आपके साथ पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर। बट बेस्ट कार रिव्यूज एंड इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना ऑटो ग्रिडिया चैनल को। भाई MG के इंडिया में लॉन्च होने के बाद उनकी हेक्टर एंड ग्लॉस्टर ने नो डाउट अच्छा परफॉर्म किया। बट 2020 में एंट्री होते एक बड़े पेंडेमिक COVID-19 की, जिसका ओरिजिन सबका मानना है कि चाइना से ही हुआ था। अब क्योंकि MG भी एक चाइनीज कंपनी है, साथ ही इंडिया एंड चाइना बॉर्डर का डिस्प्यूट भी चल रहा है। अब ऐसे में MG को अपना लॉस रिकवर करने के लिए अपनी पेरेंट कंपनी SAIC से इन्वेस्टमेंट भी नहीं मिल पा रही, एंड साथ ही इंपोर्टेड एक्सपोर्ट में भी प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। सो दैट्स व्हाई MG इंडिया में अपनी मेजोरिटी स्टेक सेल कर रही है। सो जिससे उस पर लगा एक चाइनीज ब्रांड का टैग हट जाए और वो खुद को एक इंडियन ब्रांड की तरह रिप्रेजेंट कर सके। वैसे इसमें आपकी क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, जहां मैं आपको करता हूं सिर्फ 5 मिनट में रिप्लाई। बिलीव नहीं हो रहा अभी ट्राई करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।